नमस्कार, महायूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लखनऊ से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनेंगे अमृत सरोवर। आपको बता दें कि 75 जिलों में बनाए जाएंगे 75 अमृत सरोवर। सीएम योगी के निर्देश पर बनेंगे अमृत सरोवर। 75 जिलों में बनाए जाएंगे 75 अमृत सरोवर। आजादी के अमृत काल को यादगार बनाने की तैयारी में योगी सरकार। हर जिले में विशेष अभियान के तहत तैयार होंगे 75 तालाब और उपेक्षित तालाबों की सवरेगी सूरत। कुल 5625 तालाब होंगे तैयार। भूमिगत जल स्तर को ऊंचा उठाने में भी ये तालाब होंगे सहायक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तैयार किए जाएंगे तालाब, अमृत सरोवर। अमृत महोत्सव के तहत इसे और यादगार बनाने के लिए तैयार किए जाएंगे सरोवर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निर्देशित। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर मनीष जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष जी, सीएम योगी के निर्देश पर अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जिले में 75 जिलों में इस योजना को लागू करने की योजना बनाई जा रही है, क्योंकि जो तालाबों का संरक्षण होता है उससे जो भूगर्भ का जलस्तर है वो भी बढ़ता है। इसलिए ये भी एक अहम कदम हुआ लगता है सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ ये निर्देश दिए हैं आप सड़कों की, जो 75 जिले हैं उन सभी 75 जिलों में अमृत सरोवर बनाने की तैयारी की जाए। कुल मिला के लगभग 75 जिलों में 5624 तालाब होंगे जो चिन्हित किए गए हैं, जिनको अमृत सरोवर योजना के तहत जो है उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, पुनरुद्धार किया जाएगा। और इसका मकसद यही है कि जो आजादी का जो अमृत महोत्सव मनाया गया, तो अमृत महोत्सव सरकार के द्वारा मनाया गया, उसको और यादगार बनाया गया। उस महोत्सव के बहाने जो एक जनहित का काम है, जो एक अच्छा काम है, वो भी किया जाए। कुल मिला के कह सकते हैं कि करीब 5825 तालाबों को चिन्हित कर लिया गया है। उन तालाबों को इस योजना के तहत सजाया और संवारा जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश अफसरों को जारी कर दिए हैं। बिल्कुल, भले ही मनीष जी ये अमृत महोत्सव के तहत इसे सजाया संवारा जा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये निश्चित बात है कि इससे आम जनमानस को काफी लाभ होने वाला है। देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो बहुत सारे, चाहे वो शहरी इलाके हों, ग्रामीण इलाके, जलस्तर है वो गिरता जा रहा है। इसको लेके जरूरत भी थी, और इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, इस तरह के चीजों को बढ़ावा दिया जाता है, तो निश्चित रूप से जो आम जनता है, जो लोग हैं, वो लाभान्वित होंगे। इन तमाम तालाबों में अगर जल संरक्षण होगा तो निश्चित रूप से जो भूगर्भ का जलस्तर है वो बढ़ेगा, और इसका फायदा जो है आम लोगों को होगा। तो कहीं ना कहीं भले ही योजना ये आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शुरू की जा रही है, लेकिन इसका जो फायदा होगा वो फायदा आम जनता को ही मिलने वाला है, जिसका निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि इस अमृत महोत्सव के तहत भले ही ये तालाब जो है वो बनवाए जा रहे हों, लेकिन इसका फायदा जरूर आम जनमानस को होगा, ये जरूर सुनिश्चित किया जा रहा है। बता दें आपको कि अमृत महोत्सव के तहत ये सरोवर्स बनाए जाएंगे, और जिससे आम जनमानस को काफी